फूल गोभी आप सभी खाते होंगे। पहले फूल गोभी कुछ कुछ सीजन में मिलता था, अब तो राउंड द ईयर मिलने लग गई है और काफ़ी पसंद किया जाता है। फूल गोभी में इसकी सब्जियां बहुत पॉपुलर है। फूल गोभी को बॉईल करके सलाद के हिसाब से भी लोग खाते हैं। और फूल गोभी का थोड़ा डिटेल आपको मैं देना चाहता हूँ। अंग्रेजी में हम लोग कॉलीफ्लावर बोलते हैं और ब्रेसिका ओलेरेसिया वही इसका मेडिकल नेम है। 100 ग्राम अगर आप खाते हैं कॉलीफ्लावर तो इसमें करीब करीब 25 कैलोरी आता है, तो वेट रिडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो हर दिन 100 ग्राम 200 ग्राम खा सकते हैं ये कॉलीफ्लावर को। अच्छा, इसमें प्रोटीन होती है 2 ग्राम के आसपास और इसमें फाइबर भी 2 ग्राम के आसपास होती है। ग्लूकोज बहुत कम होती है तो डायबिटीज़ के लिए भी फायदा करता है। हेल्थ अच्छा, हाँ, तीन तरह की फूल गोभी पाया जाता है। एक तो ग्रीन जिसको हम लोग ब्रोकोली टाइप का बोलते हैं, और पर्पल भी होता है और ऑरेंज भी होता है, और वाइट तो आप खाते ही हैं जो नॉर्मल होता ही है। तो हेल्थ के हिसाब से मैं आपको अगर बोलूँ तो इसमें विटामिन सी होती है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, फोलिक एसिड होती है, फोलेट होता है जिससे खून बनता है, विटामिन के होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ई होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस आयरन पोटेशियम सोडियम सारे इसमें होती है। तो हमारे बॉडी की मिनरल का भी काफ़ी इनटेक यहाँ से मिल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें काफ़ी होती है जो कि हार्ट के लिए अच्छा है और ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है, कैंसर को रोकने का काम करता है। स्टोमक के लिए भी अगर आपको हर वक्त स्टोमक का एसिडिटी वगैरह रहता है तो फूल गोभी से फ़ायदा होता है। आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो खून बनने में एनीमिया के केसेस में हम लोग बोलते हैं फूल गोभी फ़ायदा करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी सांस है उसमें भी फ़ायदा करता है, हड्डियों में इम्प्रूव करता है। अच्छा, हेयर में साइन लाता है, मस्क्यूलर डिजनरेशन में मदद करता है। तो कॉलीफ्लावर के फूल गोभी के बहुत सारे फायदे हैं हमारे बॉडी में। अच्छा, ब्लड प्रेशर में भी कम करने का काम करता है, वजन भी कम करता है आपको हमने बोला है, और ब्रेन के लिए भी फायदा करता है, डायबिटीज़ को भी मैनेज करता है। तो आप ये समझ लीजिए एज अ सलाद एज अ सब्जी इट्स अ वंडरफुल फूड। पर सब्जी जब बनाएंगे तो बिना तेल का बनाने का कोशिश कीजिए, तो उससे उसकी कैलोरी कम हो जाएगी, उसमें खराबी नहीं घुसेगी। कॉलीफ्लावर ज़रूर खाइए, फाइबर के हिसाब से और हर ऑर्गन को फ़ायदा करता है। तो आप ये समझ लीजिए हमारे कुदरत ने हमें कितने फ़ायदे की चीज़ें दे के रखी है और हम लोग को मालूम ही नहीं। हम लोग आज वो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब के चक्कर में फंसे हुए हैं और पकोड़े समोसे खा रहे हैं, जबकि कुदरत ने हमें भंडार दिया है अच्छे खानों का। तो इनको ज़रूर खाइए, इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए, और ये सबके लिए अच्छा है और सस्ता भी है। आजकल फूल गोभी पत्ता गोभी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये आजकल हर जगह अवेलेबल है। इट्स अ गुड फूड एंड यू मस्ट हैव इट। तो थैंक यू, आज के लिए विदा लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी, और हार्ट अटैक को रोकने का काम करते हैं। तो किसी को भी हार्ट अटैक ना हो उसके लिए अगर आप हमारा हार्ट के वीडियो सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।